शोभा टेक्सिंग पुलिस लाइन में बॉक्सिंग के मुकाबले करवाए गए। मुकाबलों में 4 टीमों और 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आना उमर फरूक और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील ने किया। बॉक्सिंग मुकाबलों में नौजवानों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए और ब्लू कॉर्नर में मेहरान अच्छी बॉक्सिंग प्लेयर की जानिब से तीसरा और आखिरी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील का कहना था कि बॉक्सिंग मुकाबले करवाने का मकसद नौजवानों को इस खेल की तरफ रागब करना है। डिस्ट्रिक्ट शोभा टेक्सिंग में खेलों को फरोग देने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरपरस्ती की जा रही है, इससे खेलों को फ़रोग मिलेगा। पिछले दिनों हमने फुटबॉल के, बैडमिंटन के, क्रिकेट के मुख्तलिफ मुकाबले करवाए हैं। ये इस बात की गमाज है कि डिस्ट्रिक्ट शोभा टेक्सिंग में बहुत ही टैलेंट है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की नेशनल गेम्स में ये अपना लोहा मनवाएंगे। बॉक्सिंग मुकाबलों के अख्ताम पर जीतने वाली टीमों में ट्रॉफी और नकद इनाम तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, शोभा टेक्सिंग। अच्छी बॉक्सिंग प्लेयर की जानिब से तीसरा और रेफरी के बजाय मोहम्मद अरशद इंटरनेशनल बॉक्सर और रेफरी जैसा अंजाम दे रहे हैं। सीधी राइट बात सीधी चलो ठीक है। फाइट के लिए अभिनीत वर्सेस हंजला बट तैयार रहे। इस मैच के फर्स्ट मोहम्मद सेकंड जज मोहम्मद आमर साहब और थर्ड मोहम्मद अच्छी बॉक्सिंग दोनों प्लेयर की जानिब से स्टॉप। हमारे तमाम प्लेयर 25 साल से शोभा टेक्सिंग की नुमाइंदगी कर अच्छी बॉक्सिंग दोनों प्लेयर की जानिब से अच्छे फुटवर्क का इस्तेमाल। रेफरी के फरायद मोहम्मद अरशद इंटरनेशनल बॉक्सर और इससे अगली फाइट 45 केजी में वलीद वर्सेस हंजला भट्ट वो जल्द से जल्द तैयार रहे। राइट मार फिर राइट मार के लिए रेफरी के सर अंजाम मोहम्मद अरशद इंटरनेशनल बॉक्सर और रेफरी जज और जजी के फराय सर अंजाम देंगे ताहर यूम मसीह खान इंटरनेशनल रेफरी जज और अंदर शाबा एक मिनट है फोटो सी का लगा वीडियो बन अच्छा फोटो ब्लू कॉर्नर के कोच मोहम्मद काशिफ साहब इंटरनेशनल प्लेयर